हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल क्रूज राइडर प्रियांश। तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्कॉर्पियो की तरफ से नई लॉन्च हुई स्कॉर्पियो क्लासिक S11 मॉडल के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड करते हैं इस कार का कंप्लीट डिटेल। फ्रंट लुक के बारे में, तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं वाकई बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंसिंग दिया गया है, पहले से कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीट पूरा ही चेंज कर दिया है, कुछ कुछ स्टांस ऐसे हैं जो कि अभी भी बरकरार हैं। जो चेंजेस हुए हैं वो है इसकी फ्रंट ग्रिल आप बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो कर दी गई है। पहले जो है स्ट्रिपिंग वाली देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है लाइनिंग वाली कर दी है। ऑफकोर्स आपको नया वाला लोगो देखने को मिलेगा एंड नीचे की साइड की जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर में दी गई है। रेडिएटर ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है पहले जैसी है सिंपली, कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह ऐड नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर कुछ खास एड ऑन नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीज़न है इसके प्राइस भी पहले से थोड़े कम रखे गए हैं। ये S11 मॉडल आप देख रहे हैं एंड फ्रंट की साइड जो कंटिन्यू रखा गया है उसमें से एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो लगी वो है इसका ये बोनेट का, बोनेट के ऊपर के जो पहले भी आता था ये थोड़ा सा आगे जरूर कर दिया है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सी आगे जरूर है, लेकिन ये जो है बरकरार रखा गया है एंड इसका कोई फंक्शनिंग नहीं है। ये देख सकते हैं आप कम्प्लीटली, मतलब सिंपल सा ब्लैक ही है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये फंक्शनिंग में नहीं है, ये कम्प्लीटली ब्लैक जो है बस शोपीस के लिए ही रख रखा है, लेकिन ये जो है स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो बनाता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसके हेडलैम्प की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, बाकी एक प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प भी देखने को मिल जाते हैं। ये DRL आपको सेम ही देखने को मिलेगी। बाकी जो एड ऑन हुआ है वो है इसके नीचे का फॉग लैम्प की जो प्लेसिंग है वो पहले पूरी गोल आती थी, अब जो है कुछ यहाँ कर दिया है एंड ये DRL दे दी गई है LED में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही हैं। तो अभी जो इसके प्रेजेंस है फ्रंट लुक से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही आने वाली है, मतलब यूनिक लगने वाली है पहले से, एंड पहले वाली भी काफ़ी ज़्यादा दमदार ही थी, उसके तो क्या ही कहने। लेकिन ये लुक आप देख सकते हैं ये अब कंटिन्यू रहने वाला है पूरे मार्केट में। बात करूँगा विंडशील्ड की तरफ चलते हैं, तो वाइपर की क्वालिटी जो है वो अगेन पहले जैसी ही रखी गई है एंड यहाँ पर जो है हमें सिंपल सा भाई आपका वाइपर वॉशर वगैरह हो गया आपका एंड ऊपर की साइड आपको एक एंटीना देखने को मिलेगा। शार्क फिन एंटीना नहीं रहने वाला है क्योंकि इस मॉडल में हमें ये वाला सिंपल सा एंटीना देखने को मिलेगा जो पहले ही कंटिन्यू रहता है पहले से जैसा ही। तो ORVMs की बात करूँ साइड में तो ORVMs के लुक जो है पहले जैसे ही हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है ORVM जो है ऑटो फोल्डिंग मिरर के साथ नहीं है, वो आपको मैनुअली देखने को मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। यहाँ देख सकते हैं कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस जगह पर आपको कंट्रोल देखने को मिलते हैं। अभी इंटीरियर की भी बात करूँगा, उससे पहले बात कर लेता हूँ इसकी साइड लुक में क्या ऐड ऑन हुआ है, वो है इसकी स्किड प्लेट साइड की, जो ये एक बेस प्लेट आप कह सकते हैं इसे, ये ऐड ऑन हुई है एंड ये ब्लैक कलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है एंड ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई भी कर रहा है इसका लुक। साइड की तरफ आप देखेंगे तो इसके जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है या पिछला वाला ज़्यादा पसंद था। ये टायर आपको जो साइज़ देखने को मिलेगा वो यहाँ पर R17 इंचज का ही देखने को मिलेगा एंड हाई प्रोफाइल टायर है जैसा कि आप देख ही सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एंड लुक में भी मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे चेंज करा सकते हैं। पुराने वाले भी एज एसेसरीज अवेलेबल रहेगा। तो फ्रंट लुक कुछ इस टाइप के हैं, बाकी साइड लुक्स आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर जो है फेंडर पर हमें इंडिकेटर दिया गया है एंड M-Hawk की बैजिंग जो है वो उस साइड है, वो साइड का भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस साइड में जो है आपको M-Hawk की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि इसका इंजन जो है, इंजन के बारे में बात करूँगा उससे पहले बात करूँगा इसके एक्सटीरियर लुक की। एक्सटीरियर लुक की हम बात कर ही रहे हैं तो रूफ रेल्स के बिना स्कॉर्पियो अधूरी है जैसा कि हम सभी को पता है एंड स्कॉर्पियो N जो खड़ी है उसके अंदर जो रूफ रेल आते थे वो उस टाइप के हैं, वो नए डिज़ाइन के कर दिए हैं एंड यहाँ पर जो है पुराने वाले ही कंटिन्यू रखे गए हैं, क्योंकि जो पुराना वाला स्कॉर्पियो का लुक है वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा पसंद आता है बजाय इसके। अब बात करूँगा बैक लुक के बारे में, तो बैक लुक
आप देख सकते हैं। एक मिनट के लिए ज़रा निहार लीजिए, आपको एन का ज़्यादा पसंद है या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक का ज़्यादा पसंद है। हम पर क्लासिक की बैजिंग S11 यानी कि S11 मॉडल है। S3 के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, यानी कि S मॉडल जो है इसका जो S3 वाला मॉडल है उसी के साथ कंटिन्यू रहने वाला है। एंड S3 मॉडल जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है, अब S मॉडल में आएगी, तो ये है। एंड यहाँ पर हम माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसका यूज़ क्या है अभी आपको बताऊँगा। यहाँ पर लाइट पर, टेल लाइट पर आपको जो है स्कॉर्पियो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड पीछे की साइड जो है ये एड ऑन किया है, यानी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि मतलब पुराना वाला स्कॉर्पियो ही कंटिन्यू रखने की कोशिश की गई है, बल्कि और उसमें ही कुछ ऐड ऑन किया गया है। बाकी यहाँ पर जो है हमें वॉशर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाइस पीछे की साइड का जो स्पॉयलर है वहाँ पर कोई टेल लैंप, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वगैरह नहीं है, वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। जैसे कि पुराने से पुराना वाला मॉडल में आता था, वो पीछे की साइड जो है एक लाइन सी लगी होती थी LED में या हैलोजन में ही, तो वो जलती थी। अभी उसकी जगह जो है क्या, वो बस एक वॉशर दे दिया गया है। यहाँ पर डिफॉगर वाइपर दे दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यहाँ पर ये ट्विन पीक्स वाला लोगो, एंड कैमरा आप लगवा सकते हैं एज ए एसेसरीज। सो गाइस फाइनली बैक लुक को आप अच्छे से निहार लीजिए कि बैक लुक किसका ज़्यादा अच्छा है, स्कॉर्पियो क्लासिक का या फिर स्कॉर्पियो एन का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी नीचे की साइड जो है एक ये टो हुक दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर हैं जो कि फंक्शनिंग में नहीं है। एंड ये एक आपको स्टेप देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेप के बारे में आपको साइड में भी देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एंड इसकी नीड भी होती है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस कार की। अभी डायमेंशंस के बारे में भी बात करूँगा, उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जॉस्ट दिया गया है इस साइड। एंड जो हमें स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा वो हमें सिंपल स्टील रिम में ही देखने को मिलेगा, कोई अलॉय व्हील का ऑप्शन S11 वेरिएंट के साथ भी नहीं आते हैं। अभी मैं इसका बूट स्पेस चेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर स्पीकर्स देख सकते हैं, एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस है अंदर का। एंड यहाँ पर जो है सीट्स की क्वालिटी जो है पीछे की साइड भी सही है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट वगैरह के बारे में भी बताऊंगा आपको, स्पेस इस टाइप का है कुछ। एंड सीटिंग ऑप्शंस जो हैं वो इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है 4 सीट अवेलेबल हो जाती है, यानी कि ऐसी ही थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, एंड मतलब स्पेस सेवर में ही होती है। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस टाइप के आपके 3 ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिलेंगे। बाकी एक सीधे वाला ऑप्शन आ जाता है, वो कैप्टन सीट आगे आ जाती हैं। एंड इस साइड जो है सिंपल वाली सीधे वाली आ जाती हैं। बाकी एक जो मैंने आपको बताया 4 वाली फंक्शनिंग वाली सीट आ जाती हैं। तो ये हैं, बाकी स्क्रीन पर आप देख के बताइए कि कौन सा मॉडल आप प्रेफर करने वाले हैं। सो गाइस फाइनली अभी मैं बात करूँ कार की लंबाई के बारे में, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, तो 4456 mm की इसकी जो है लंबाई रहने वाली है। विड्थ की बात करूँ सामने से, तो इसकी 1820 mm की इसकी विड्थ रहने वाली है। आप देख ही सकते हैं सामने से भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा एंड SUV टाइप स्टान लुक दिया गया है, एकदम बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है। एंड रोड प्रेजेंस तो वाकई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाली है, जैसे कि S11 के बारे में हमें पता ही है। एंड अभी हाइट के बारे में बात करूँ, तो हाइट इसकी 1995 mm की इसकी हाइट देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा ऊँची है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। एंड इससे ऊँची है इसकी हाइट, स्कॉर्पियो एन से ऊँची है इसकी हाइट। एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ, तो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 210 या 209 mm के आसपास इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप स्टेप हटा देते हैं तो उसके बाद आपको और ज़्यादा मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोर देन इनफ है, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। एंड ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी हैं। एंड गाइस अभी कार के इंजन के बारे में बात करूँ, तो इसके अंदर हमें 2.2 लीटर डीजल MHawk इंजन देखने को मिलता है, यानी कि MHawk डीजल को। बैजिंग दिखा देता हूँ एक बार इसकी, जो कि हमें थार में देखने को मिलता है बेसिकली। एंड पावर की बात करूँ, तो ये इंजन पावर प्रोड्यूस करके देता है 130 BHP की, एंड 300 Nm का टॉर्क ये कार जनरेट करने में सक्षम भी है। एंड ये 6-speed गेयरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन इनके साथ आता है। एंड ये मॉडल आप जो देख रहे हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल आप देख रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का है। एंड ये रेयर व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ आता है, कोई कीलेस एंट्री वगैरह नहीं है, आपको चाबी लगा कर ही इसे ऑन करना होगा। एंड यहाँ पर हमें जो है हाइड्रोलिक स्ट्रट्स भी दिए गए हैं, यहाँ पर इंसुलेशन का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूज़ किया गया है। इंजन भी काफ़ी ज़्यादा नीटली फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता भी है। तो गाइस कुछ इस टाइप का आपको की सेटअप देखने को मिलता है, सिंपल टिपिकल महिंद्रा का ही जैसा की सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर लॉक अनलॉक एंड ये एंड ये कुछ बीप करेगा अगर आप यहाँ से करते हैं,
एंड इसमें आपको एक फंक्शन आपको दिखा देता हूँ, अगर ये आपका फ्लिपिंग सेटअप है ऑफकोर्स, तो गाइस अब स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर एक फीचर आपको बता देता हूँ। अगर आप शीशे आप इसके ओपन छोड़ देते हैं गलती से, सारे ही शीशे ये ऑटोमेटिक में दिए गए हैं, ऑटोमेटिक वर्क कैसे करता है, सिंगल क्लिक पे ये इतना ही वर्क करेगा। अभी ऑटोमेटिक करना है तो इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए एंड ये रोल डाउन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं पूरे। अभी मैं इसे फंक्शन आपको दिखा देता हूँ, अगर आपकी कहीं इसका कोई सा शीशा ऑन छोड़ देते हैं गलती से, जैसे कि अक्सर इंडिया में होता ही है, एंड आपको सिंपल करना यह है कि इसको लॉक का ऑप्शन को दबाएंगे एंड ये शीशे अपने आप बंद हो जाएंगे। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मोस्ट ऑफ द कार्स में ये फीचर होता भी है एंड इस कार में है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड गाइज अभी कार का इंजन स्टार्ट है एंड आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा वॉइस जो है, मतलब मिनिमल सी है, इतनी नॉर्मल सी वॉइस है एंड इतनी नॉइस ये करेगा इंजन जब स्टार्ट होगा, तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो गाइज अभी मेनली बात करूँगा कार के इंटीरियर के बारे में ही, तो इंटीरियर की साइड जो है सबसे पहले डोर की बात करूँगा। तो डोर पर जो है हमें जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो है हमें विंडो, पावर विंडो देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है वाइट फिनिशिंग के साथ ही हार्ड प्लास्टिक में ब्लैक स्ट्रिपिंग देखने को मिल जाती है। सिंपल सा ही हमें जो है ये डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। बाकी डोर पर हमें डोर पॉकेट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, बॉटल होल्डर नहीं दिया गया है। स्पीकर की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है एंड ORVMs के जो एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। ऑटो फोल्डिंग के मिरर के साथ नहीं देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी मैं इसके अंदर बैठ के बात कर लेता हूँ, तो सीट जो एडजस्टेबल हैं वो हमें सिर्फ जो है हाइट एडजस्टेबल देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के मोड हमें नहीं देखने को मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल के मोड भी साथ में देखने को मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कार का कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये छोटी सी MID देखने को मिल जाती है जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो ट्रिप ए ट्रिप बी के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड टैकोमीटर हमें जो है एनालॉग में ही देखने को मिलता है एंड स्पीडोमीटर जो है वो भी हमें एनालॉग में ही देखने को मिलता है विद 180 की टॉप मैक्सिमम स्पीड के साथ। एंड यहाँ पर जो है ट्रिपोमीटर शो कर रहा है ट्रिप ए ट्रिप बी, आप यहाँ से जो है सेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दे दिया है इस कार में एंड यहाँ से जो है हमारी स्टीयरिंग व्हील माउंटेड सभी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन के सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड अभी मैं जो हूँ इसे बंद कर देता हूँ। एंड ये 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप जो देख रहे हैं वो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले अब सपोर्ट नहीं करता है, सिंपल आपका फ़ोन का इंटरफेस की तरह ही चलता है। एंड यहाँ पर हमें सेटिंग वगैरह हो गए, म्यूज़िक वगैरह चला सकते हैं एंड फ़ोन से कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप वायर्ड ही कर सकते हैं, वायरलेस तो एंड्रॉयड ऑटो भी नहीं है। तो ये कुछ है इसका, तो बस यही है, फुल्ली टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। काइंड ऑफ ये ऐसा लगता है कि इसके अंदर हमें टैब फिट कर दी हुई है, देखिए होम का बटन हो गया, ये रिसेंट ऐप्स का बटन हो गया, तो ये काइंड ऑफ जो है आपको कहीं ना कहीं फील दिलाने वाला है, यानी कि जैसे कोई एंड्रॉयड टैब हो। अभी इसके अंदर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन पैनल जैसे खुलता है तो उसी टाइप का है, ब्राइटनेस आप उसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ बनाता है इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन को। यहाँ से ही म्यूज़िक की क्वालिटी, यानी कि इसके म्यूज़िक सिस्टम को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई लेवलर वगैरह नहीं दिया गया है कि इसके आप आवाज़ बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को अप एंड डाउन यहाँ से नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से कर सकते हैं एंड यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिएगा, तो उस हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। सो गाइस AC वेंट की साइड जो है हमें क्रोम की स्ट्रिपिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर जो डिग्रेड कार का मुझे लगा वो इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन में लगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के कनेक्टिविटी अब नहीं देखने को मिलती है, पहले वाले मॉडल में देखने को मिलती थी, तो अगर वो अगर इसमें ऐड ऑन हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। एंड यहाँ पर जो है हमें सिंपल सा बेसिक सा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड कुछ इस टाइप का आपको लुक आने वाला है अगर आप बैठते हैं कार के अंदर, SRS एयरबैग की बैजिंग एंड यहाँ पर भी जो है एक एयरबैग देखने को मिलता है। बाकी कार के अंदर जो टोटल एयरबैग का नंबर है वो 2 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, डैशबोर्ड की साइड देख सकते हैं आप SRS एयरबैग की बैजिंग एंड यहाँ पर जो है ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि और ज़्यादा स्पेस हो सकता था कार के अंदर। एंड यहाँ पर ये ब्लैक की फिनिशिंग, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग एंड यहाँ पर भी हमें जो है एक वुडन फिनिशिंग का यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा, इधर की साइड आप देख सकते हैं जो कि कम्प्लीटली चेंज कर दिया है इस बार। एंड यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं एंड यहाँ पर ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दे दिया है
एंड यहाँ पर इधर उधर की साइड आपको जो है ऑक्स केबल एंड यूएसबी कनेक्टिविटी के सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये हैजार्ड लैंप का बटन हो गया एंड ये बटन जो है फंक्शनिंग में नहीं है, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड एसी कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक में ही देखने को मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन इस कार में के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड अभी IRVM जो है वो आपको मैन्युअली देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक तो हमें स्कॉर्पियो N में देखने को नहीं मिलता था। एंड यहाँ पर जो है सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है एंड ये यहाँ पर हमें माइक देखने को मिल जाता है, माइक की प्लेसिंग एंड लाइट की जो फंक्शनिंग है वो आपको यहाँ दे दी गई है, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी जो है फ्रंट शेड आपको कुछ टाइप का देखने को मिलेगा, कोई टिकट होल्डर एंड वैनिटी मिरर नहीं है, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर दे दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें डोर हैंडल्स जो है वो इस टाइप के हैं, बाकी पैसेंजर साइड का गेट कुछ इस टाइप का है, ये काइंड ऑफ सॉफ्ट टचिंग मटेरियल है। एंड इस साइड भी ये बताना भूल गया था, ये सॉफ्ट टचिंग है जो काफ़ी ज़्यादा सही है एंड काफ़ी ज़्यादा रॉ नेचर वाली फील देती है अंदर से बैठने के बाद ये कार। एंड इंटीरियर में कुछ खास फर्क है नहीं, 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये पैड दिया गया है छोटा सा, ये चार्जिंग पैड नहीं है, आप मतलब सिंपल कुछ भी रख सकते हैं, ये कप होल्डर्स जैसे हैं कुछ, कप होल्डर ही कहूँगा मैं तो। एंड ये ब्रेक लीवर हो गया आपका, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड अभी सीट की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है हमें एक हैंडरेस्ट देखने को मिल जाती है दोनों ही साइड, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड अभी जो है रेयर की साइड में एसी वेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिए गए हैं एंड उससे पीछे सबसे पीछे जो है वो रेयर एसी वेंट नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंपनी का कहना है कि ये ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं। अभी सीट एडजस्टेबल के बारे में मैंने आपको बताया, वो आपको मैनुअल ही देखने को मिलेंगे, मैनुअल ही करना होगा। एंड यहाँ पर हमें जो है फुट रेस्ट देखने को मिल जाते हैं इस साइड, तो वैसे भी फ्रंट लुक जो है वो टोटल कुछ इसी टाइप का रहने वाला है। एंड अभी बात करूंगा मैं इसके रेयर की साइड में कि भाई रेयर की साइड कितना कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ है दिया गया है, अगर जब रेयर की साइड देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। रेयर की साइड की डोर पर जो है हमें जो है बॉटल होल्डर दे दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है एंड ये टिकट होल्डर काइंड ऑफ। एंड यहाँ पर हमें पावर विंडो के बटन्स, ये ब्लैक की फिनिशिंग, ये डोर हैंडल्स। एंड अभी सीट की क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह कम्फर्ट वगैरह कुछ बढ़ाया है या फिर वही है, ये काफ़ी ज़्यादा सही ही था एंड ये कोई कमी तो नहीं है कार के अंदर। तो अभी जो है रेयर एसी वेंट हैं, ट्विन कप होल्डर हैं एंड कोई फ़ोन होल्डर वगैरह हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। एंड पावर सॉकेट वगैरह भी नहीं है, ये हाउसिंग दे रखी है नीचे की साइड जो कि हो सकता था यहाँ पर भी। तो अभी मैं बात करूँगा अंडर थाई सपोर्ट के बारे में, तो अंडर थाई सपोर्ट भी आप देख सकते हैं, मेरी हाइट है 5'9" के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमें अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। एंड हाइट एंड हेड रूम की बात करूँ तो हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा सही ही देखने को मिलता है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। एंड इधर की साइड जो है कन्वीनियंसी के लिए हमें जो है आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा सही है जो कि इस कार को काइंड ऑफ लग्जरी वाला लुक भी देती है। एंड यहाँ पर हमें जो है फ़ोन वगैरह ही रख सकते हैं, कोई मैगजीन होल्डर वगैरह यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। एंड ये आर्मरेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, ये स्कॉर्पियो N में भी नहीं थी। एंड बाकी इसके जो वाला मॉडल है यानी कि लग्जरी वाला मॉडल, उसके अंदर जो हमें फीचर देखने को मिलते हैं वहाँ पर हमें कैप्टन सीट आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड अभी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस है कार, तो कार के अंदर स्पेस जो है व्हील बेस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहने वाला है। कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड एसी काइंड ऑफ मुझे ऑन कर लेना चाहिए। एंड गाइस अभी मैं चलता हूँ इस कार के पीछे की साइड, सबसे पीछे की साइड का स्पेस कैसा दिया गया है, तो यहाँ पर एक स्टेप दी गई है, इसको चढ़ के आप जो है मतलब सीट फोल्ड करके, ये फोल्ड हुई हुई हैं आप देख सकते हैं, एंड यहाँ से जो है इसे अनफोल्ड करके सीट को नीचे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाता है। एंड इसको जो है आप ऐसे खोल के अब जो है ये प्रॉपर सीट तैयार है आपकी। तो अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल ना ही के बराबर है, इसको स्पेस की तरह ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो इसके 4-seater वाला वेरिएंट है, मुझे नहीं लगता वो इतना कुछ ज़्यादा सेल हो पाएगा, लेकिन लेने वाले लोग लेते हैं जो कि फैमिली वाले लोग हैं तो वो लेते हैं, यानी कि S3 या S मॉडल जो है वो उसमें वो मॉडल काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला है, क्योंकि लोगों को स्पेस की काफ़ी ज़्यादा नीड भी होती है। अभी पीछे की साइड की जो है हेडरूम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सही है एंड लेग स्पेस वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, नी रूम भर भर के है, तो इसीलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा सही ऑप्शन है। सो गाइस यही था आज की वीडियो में एंड होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इसकी वीडियो मैंने आपको सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 मॉडल के बारे में, एंड फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी कार से रिलेटेड या इस कार से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फील फ्री टू मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका तुरंत से तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।